नमस्कार, मैं हूं बिना पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश दुनिया तथा सामाजिक जगत, राजनीति तथा अपराध जगत की खास खबर। जो माहौल है वो बड़े खुशी का माहौल है। समाज को शांति का संदेश देने वाला ये पाक महीना है और इसमें हमारे सारे मुस्लिम भाइयों का ये बहुत बड़ा त्यौहार है, शांति का पैगाम देने वाला त्यौहार है। सभी गरीब जनता को, छोटे बड़े को समानता का अधिकार देने वाला ये त्यौहार है। इस त्यौहार में पैगंबर साहब ऐसा संदेश देते हैं कि कोई भी, वैसे तो पैगंबर साहब हमेशा कहते हैं कि कोई भी कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन यह महीने में तो गलती से भी हाथ से गलती नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार का गलत काम नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा ये आदर्श और बहुत बड़ा ये ऊंचा संदेश पैगंबर साहब इस ईद के त्यौहार पर अपने को सारे लोगों को देते हैं। और मैं हमारे इलाके के सारे मुस्लिम भाइयों को ईद के इस मौके पर उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और ये ईद उनके जीवन में एक अलग प्रकार का खुशियाँ लाए, अलग प्रकार का आनंद पैदा करे और सभी समाज में शांति और खुशी, हमेशा शांति, खुशी और भाईचारा का माहौल हमेशा समाज में बने रहे, इसके लिए ये ईद में सारे लोग पैगंबर साहब से प्रार्थना करते हैं और सारे लोग दुआ करते हैं कि समाज में शांति बने रखे। और जैसा हिंदुओं का दिवाली होता है, होली होता है, उसी तरह से ये मुस्लिम भाइयों का भी बहुत बड़ा त्यौहार होता है। और इस त्यौहार के शुभ अवसर पर मैं सारे मुस्लिम भाइयों को सबको बधाई देता हूँ, सबको मुबारकबाद देता हूँ और बड़े आनंद के साथ, बड़े खुशी के साथ इस त्यौहार का आनंद मुस्लिम समाज लूटे और सभी समाज में शांति हमेशा बना रहे, इसी तरह का मुबारक मैं आपको सबको देता हूँ। एबी न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबरों, नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आस पास कोई घटना घटित हुई है या कोई समस्या है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।